भारत के विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ चले गए मौत के मुंह में, और जिनके मौत के मुंह में जाने की वजह से पूरा क्रिकेट जगत में छा गया मातम। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ पृथ्वी शॉ को, लेकिन बताएंगे हम आपको पूरी जानकारी हुई पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत के विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का बच पाना हो गया है मुश्किल। और दोस्तों पृथ्वी शॉ एक ऐसे बीमारी से लड़ रहे हैं जिस बीमारी से बच पाना पृथ्वी शॉ के लिए खूब ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी शॉ को एक ऐसा इंजरी हुआ है जिस इंजरी से ठीक होना पृथ्वी शॉ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और दोस्तों उस इंजरी का नाम है एंजिनोमिया, जो एंजिनोमिया एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से अंदर ही अंदर शरीर पूरा ज़्यादा खोखला हो जाता है। और दोस्तों पृथ्वी शॉ को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि पृथ्वी शॉ को बचा पाना अब खूब ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन दोस्तों जब यह सब खबर सुनकर पूरा क्रिकेट जगत में छा गया है मातम, और दोस्तों विराट कोहली तो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन पृथ्वी शॉ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे पृथ्वी शॉ पर इस तरह की दुख भरी घटना घटने के बारे में, लेकिन आप अपनी रिकमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।